ये देखिए लेडीज देखें हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब भाई? आपका आ गया है विद अनदर व्लॉग। तो इस टाइम ना आपका भाई पता किधर मौजूद है, आपको दिखाता हूँ। इस टाइम ना आपका भाई मौजूद है शाहपुरा में, ठीक है। शाहपुरा रोड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इधर ना हर किस्म का खाना मिलता है। शाहपुर में जो स्ट्रीट फूड के नाम से ना जाना जाता है ना, इधर सारा खाना मिलता है। तो सबसे पहले ना ट्राई करने लगे हैं इधर इंडियन डिश ट्राई करने लगे हैं, ठीक है। इसका नाम है इडली डोसा। तो वो मैं आपको इसकी मेकिंग दिखाता हूँ, साथ चेक करवाता हूँ। मैं ना अपने दोस्तों के साथ आया हूँ, मेरे स्कूल फ्रेंड हैं, ठीक है। मैं आपको स्कूल फ्रेंड दिखाता हूँ अपने। राकब भाई हैं, ये अब्दुल्ला भाई हैं, ठीक है। तो बचपन से ना वन क्लास से लेकर मैट्रिक तक ना कॉलेज भी इनके साथ ही मैं ना पढ़ा हूँ, ठीक है। तो अभी खाने लगे इडली डोसा, मैं आपको मेकिंग दिखाता हूँ इसकी। हाँ जी भाई बताएँ कौन कौन सा फ्लेवर है? एक चिकन चीज है रेगुलर जो चलता है, एक टिकटॉक फ्लेवर है हमारे पास चिकन टिकटॉक, एक वेजिटेबल चीज है और एक वेजिटेबल टिकटॉक है, ठीक है। और टिकटॉक इसलिए नाम रखे क्योंकि मैं माशाल्लाह से बहुत वायरल हूँ टिकटॉक पे। हाँ जी बिल्कुल, मैं भी आपको ना टिकटॉक से देख के आया हूँ। हाँ तो मैंने उसका आइटम का नाम ही टिकटॉक रख दिया। चलो ठीक है, फिर हमारा ना टिकटॉक चिकन लगा दें, ठीक है। पोटैटो भी लगवा लें, चिकन ही ठीक है। ये साथ आपने क्या चीज रखी हुई है, ये चीज है या क्या चीज है? बेशरम आदमी, ये चीज है सर। आपको मैं गेम दिखाते हैं, बोतल देंगे ना। इसका मेन्यू है स्पेशल मसाला डोसा डिलीशियस फूड, ठीक है। तो ये फ्लेवर है और ये मेन्यू है, नीचे इनका नंबर है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन इसकी अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ये जो बाटकराई है ना इधर, ठीक है, बाटकराई के बिल्कुल सामने जो है ना, थोड़ा सा इस ड्राइड पे करके ना इनका ये स्टॉल है किंजा होटल के सामने। ऐसे ना एक वैन जो है ना ट्रक सा बना हुआ है, खाता हूँ अपना। ये देखिए लेडीज देखें। अच्छा ये डोसा ही मिलता है, इडली भी है आपके पास? वो भी नहीं है, गर्मी है। अभी बस डोसा लगा रहे हैं। तो ये हमें टिकटॉक फ्लेवर जो है ना वो बना के देने लगे हैं, जो इनका स्पेशल है। आपका एक वेजिटेबल वाला, एक चिकन वाला। हाँ जी ये चार चिकन वाले बना लेंगे यहाँ पर, एक जो है ना वेजिटेबल वाला। एक चिकन चीज डोसा दो ला दियो, जरा जल्दी करें संभाले जाना।
ऐड की, इन्होंने चीज़ ऐड की है। ये हमारा ना चिकन फ्लेवर आ गया, ये पास करके दिखाएं। इस साथ दो फ्लेवर दिए हैं उन्होंने, मैं ट्राई करने लगा हूँ। मैं भी खाना है। तू अभी ये डोसा खाया है ना, तो जो चिकन वाला खाया ना चीज वाला वो मजे का था, लेकिन जो वेजिटेबल वाला है ना उसका इतना मज़ा नहीं आया। ये जो इडली डोसा ना इधर आप कह लें कि पेट भर के नहीं खा सकते, लेकिन ना फिर भी अगर आप किसी ने ट्राई करना ना तो शाहपुरा में आके ना, ये मैंने आपको एक्चुअल लोकेशन बताई, बाटकराई के सामने जो है ना इनका स्टॉल है, तो आके ना ट्राई कर लेना। अभी इनको पेमेंट वगैरह कर देते हैं, ठीक है, पेमेंट वगैरह करके ना तो फिर आगे चलते हैं। मसाला डोसा इनका नेम है। तो कह रहे हैं बाकी जो है ना स्टॉल लगे हैं ना, बाकी फेक स्टॉल है, ठीक है, ये वाला इनका स्टॉल जो है ना 3 साल से इधर है, 3 साल हो गया मुझे इधर, 3 ईयर हो गया ना। माशाल्लाह से बहुत कस्टमर है, जो भी न्यू आए पहले सर्च करे, ये सामने स्टोनों के साथ में खड़ा बीकर शाहपुरा रोड पे, मसाला डोसा के नाम पे मेरी शॉप है, बीमेंडी डोसा और मसाला डोसा, ठीक है ना, दो डोसे हमारे पास, जरूर सर्च करके आइएगा मेरे भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया, अल्लाह हाफिज़। इडली डोसा ट्राई करने के बाद ना इधर आ गए हैं फास्टर कैफे पे, ठीक है। ये जो कैफ़े है ना, इसके बारे में सुना है कि 15 साल का बच्चा ना इस कैफ़े को रन कर रहा है, इसका ओनर जो है ना 15 साल का है। चल के बैठते हैं, नीचे तो सीटिंग का ना होती है, ये भी ये सीटिंग है नीचे, और एक ये जो ऊपर है सीटिंग, ये इनका मेन्यू है फास्ट फूड कैफे का। पेप्सी कर दें, हमारी डील आ गई है, ठीक है। ये 7 फ्राइज हैं और 4 जो है ना जिंगर बर्गर हैं जो हमने मंगवाई है। इनका रिव्यू करते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा है। के बर्गर खाए हैं तो बर्गर ना काफ़ी ज़्यादा मज़े के थे और फ्राइज भी ना मज़े के थे, सर्वस भी इनकी ठीक है। इनकी सिटिंग की बात की जाए ना तो नीचे जो है ना छोटी सिटिंग है बॉयज़ के लिए, और ये ऊपर फैमिली सिटिंग है ना, ऊपर देख के आए हैं तो वीडियो तो कोई नहीं बनाई, इनकी जो फैमिली सिटिंग है ना वो बड़ी है, ठीक है। तो जिसने ट्राई करना है ना तो इधर शाहपुरा में आ जाए, ये जिस स्टॉल से हमने इडली डोसा खाया ना उसके साथ ही करके ना कर। ये भाई हैं, इन्होंने ना इनका ये जो डबल लोडेड बर्गर है ना ये ट्राई किया, तो इनका ये रिव्यू है। भाई तो कह रहे हैं वो डिसअपॉइंट हुए हैं, कह रहे हैं हमें जो है ना मज़ा नहीं आया इतना, ठीक है। तो मुझे वो, मैंने तो सिंगल बर्गर खाया जो सिंपल है ना, तो मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन भाई डिसअपॉइंट हुए हैं, कह रहे हैं ये जो बिल बना है ना, ये बिल भी देखें आप, ये 1500 बिल बन गया,
ये भाई मिले हैं ना भाई, वीडियो में नहीं आ रहे थे तो कह रहे हैं कि हमने बर्गर खाया ना, बड़े डिसअपॉइंट हुए हैं। आपके पास कैसा रिव्यू है इसका, आपने कैसा रिव्यू दिया? मैंने तो बोला मैंने तो रिव्यू बिल्कुल ठीक दिया है, क्योंकि मुझे बर्गर जो है ना अच्छा लगा। अब घर जाने का हो गया टाइम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ना फूड व्लॉग पसंद आया होगा, ठीक है। तो आपने लाइक कर देना है, और जिसने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया उसने सब्सक्राइब कर देना है, और एफएस व्लॉग को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो चलता हूँ घर, इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग पे। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।